बाहुबली के बाद अब एसएस राजामौली लेकर आ रहे हैं अपनी बिग बजट फिल्म ट्रिपल आर, जिसमें नजर आएंगे जूनियर एनटीआर और रामचरण। लेकिन जब से इस फिल्म में बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट की एंट्री हुई है, तब से ही फैंस इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड है। दरअसल हाल ही में ट्रिपल आर की प्रेस मीट में इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई थी कि अब अजय और आलिया ट्रिपल आर में नजर आएंगे। लेकिन अब खबरों की माने तो इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर और रामचरण तेजा के साथ ही संजय दत्त भी नजर आ सकते हैं। जी हाँ, एक रिपोर्ट की माने तो संजय दत्त और वरुण धवन को मल्टी स्टार इस फिल्म के लिए कास्ट किया गया है। हालांकि इसका भी कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इन चारों लीडिंग बॉलीवुड स्टार का डेब्यू साउथ इंडिया फिल्मों की दुनिया में हो जाएगा। फिल्म की शूटिंग फिलहाल पुणे में हो रही है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि शूटिंग 45 दिनों तक वहीं चलेगी। एसएस राजामौली एक बार फिर बड़ा धमाका करने को तैयार है। राजामौली ने मीडिया से बातचीत में कहा था, ये 1920 के दौर की काल्पनिक कहानी है। हम में से ज्यादातर लोगों को अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की कहानी पता है। हमें पता है कि वो लोग पॉपुलर थे और नीडर भी, हालांकि इनकी जिंदगी के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता। आलिया के अलावा इस फिल्म में अजय देवगन के होने की भी खबरें हैं। सूत्रों के मुताबिक फिल्म में अजय देवगन कैमियो करते नजर आएंगे। फिल्म 400 करोड़ के बजट में बन रही है। अब देखना ये होगा कि इन स्टार का साउथ में डेब्यू कैसा रहता है। इस वीडियो में इतना ही। मैं योगिता शर्मा, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी.com को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।